أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا أما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين. والفريق
वैनि विनोल बिम्बमे अजमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरम खल्क़ि माली मा अलूज़ु बिही या अकरम खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही या अकरम खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का दाहुलुल हदीसिल अमामी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد ورتل القران ترتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحرهم من مغرق خذ يدي سهل لنا اشق لنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سامعین مکرم آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوا آپ کے لیے خصوصی افطار ٹرانسمیشن پنجتنی اسلامک میڈیا کے زیر اہتمام رنگ رمضان کے اسٹوڈیو سے لائیو نشریات لے کر حاضر ہوا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو
आका करीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सामईन मुकर्रम, आगाज़ तलावत कलाम रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ से हो चुका। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सामईन मुकर्रम, आज का प्रोग्राम पंचतनी इस्लामिक मीडिया के ज़ेरे तमाम खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रंगे रमज़ान के स्टूडियो से आप सभी अहबाब हमें समात कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद इंतहाई खूबसूरत सना खान जनाब मोहसरम भाई मोहम्मद फयाज नक्शबंदी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे बड़े ही खूबसूरत सना खान जो कि आज हमारे स्टूडियो में जिन्हें हमें ज्वाइन किया है, जनाब मोहसरम भाई मोहम्मद असद कादरी साहब, आप भी तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और जनाब मोहसरम भाई मोहम्मद अली हैदर कादरी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। सामईन मुकर्रम, आगाज़ कसीदा बुर्दा शरीफ की बड़ी खूबसूरत कलाम से हो चुका है। और चूँकि हमारे नाज़रीन की भी फरमाइश थी कि कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाए, तो आज का आगाज़ ही हमने कसीदा बुर्दा शरीफ से किया है। सामईन मुकर्रम, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 13वां रमज़ान मुबारक हो चुका, और बल्कि 13वां रमज़ान मुबारक भी आधा हमसे गुजर गया, आधा रह चुका है, और बड़े थोड़े दिन हमारे पास रह गए हैं जिसमें हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीहात बयान करनी है। वैसे तो हर साल पूरा साल ही हमें तस्बीहात बयान करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मगर आज एक इंतहाई खूबसूरत जो आगाज़ हुआ है उसी के हवाले से चंद बातें जो हैं वो मैं आपके गोशगवार करते हुए मैं अगले सना खान की जानी बढ़ूँगा। कसीदा बुर्दा शरीफ आप समात कर रहे थे, ये वो कलाम है, ये वो नात है जिसको हज़रत शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब लिखा, और पहले कसीदा बुर्दा शरीफ लिखने से पहले की अगर बात करूँ आपकी, तो आप बादशाहों के उमरा के कसीदे लिखा करते थे, उनकी शान बयान किया करते थे, और बादशाह उमरा उनको वुजरा उनको तोहफे तहाइफ दिया करते थे, हीरे जवाहरात दिया करते थे, इनामात दिया करते थे। मगर बस बिस्तरे मर्ग पर जब आप लेट गए और कोई साथ देने वाला नहीं था, फिर वहाँ पर दौलत भी काम ना आई जो बादशाहों ने दी, उमरा ने दी, वुजरा ने दी, वो तोहफे तहाइफ भी काम ना आए, फालज का अटैक हो चुका था आपके बाजू में, तो सोचा कि मैंने सारी ज़िंदगी बादशाहों के दुनियादारों के कसीदे लिखे हैं, क्यों ना आज कमली वाले आका मकीन गुम्बद खदरा हजूर ताजदार कायनात सरूर कल्बोसीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लिखा जाए। आपने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखना शुरू कर दिया। पहले तो ये कसीदा था, बुर्दा अरबी में चादर को कहते हैं। जब कसीदा लिखा, और ये तकरीबन 350 से 400 के करीब अशार हैं इसके, लिखा तो रात आंख लग जाती है, जब आंख लगती है तो मुकद्दर का सितारा जाग उठता है। ख्वाब के अंदर हजूर ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। जब ज़ियारत होती है तो हजरत शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हैं। आका करीम ने कहा है, बुसीरी जो कलाम तुमने मेरी शान में लिखा है वो तो ज़रा सुनाओ। हजरत शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कलाम सुनाना शुरू कर दिया। सुनाते सुनाते जब इख्तितामी लम्हात तक पहुँचे, काफ़ी अशार सुनाए, और जब रुक जाते हैं तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी काली कमली जो ओढ़ी हुई थी उसको उतारा और शरफुद्दीन बुसीरी को अता फरमा दी। जब अता फरमाई तो आपको फालज भी था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फालज वाली जगह पर हाथ फेरते हैं, जब हाथ फेरा तो ख्वाब के अंदर वो हाथ ठीक हो जाता है। जब इतना मामलात हुए ख्वाब के अंदर तो अचानक आंख खुल जाती है, जो बाजू पहले हरकत नहीं करता था अब नींद से बेदार हुए हैं तो वो बाजू भी हरकत कर रहा है।
फिर ख्याल आया कि हुजूर ताजदार कायनात मेरी झोंपड़ी में तशरीफ लाए थे, मेरे इस घर में तशरीफ लाए थे, मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाए थे, तो मेरे आका ने अगर मेरा बाजू ठीक किया है तो जरूर मुझे वो चादर भी यहां कहीं मिल जाएगी। जब तलाश किया तो आपके सरहाने के नीचे वो मेरे आका की काली कमली भी मौजूद थी। तो इस वजह से हजरत शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस कसीदे को कसीदा बुर्दा शरीफ का नाम दिया। सामईन मुकर्रम, बड़े खूबसूरत अशआर हैं। इंसान पढ़ता चला जाए, सुनने वाला सुनता चला जाए, इंसान मगन होता चला जाता है आका करीम अलैहिस्सलाम के इश्क में। सामईन मुकर्रम, चूंकि आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आगाज हुआ और मैं अपने स्टूडियो में मौजूद मेरे बड़े खूबसूरत भाई जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद असद लतीफ कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी पेश करने की सआदत हासिल फरमाएं। जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते गए सैयारों के, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते गए सैयारों के, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के। और मेरे आका का वो दर है जिसमें, 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 मेरे आका का वो दर है तर गए जिसमें। माथे घिस जाते हैं सरदारों के, 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 जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के। ऐसे आकाओं का बंदा हो रजा, 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 ऐसे आकाओं का बंदा हो रजा। भोले भाले मेरी सरकारों के, भोले भाले मेरी सरकारों के, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से करीम आका की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद असद लतीफ़ कादरी साहब, पंचतनी इस्लामिक मीडिया के ज़ेर एहतमाम खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रंगे रमज़ान के स्टूडियो से ये लाइव नशरियात आप तक पहुँच रही हैं। तमाम देखने वाले और सुनने वाले अहबाब से गुजारिश है, हमारे इस प्रोग्राम को लाजमी शेयर कीजिएगा और दोस्त अहबाब तक लाजमी नशर कीजिएगा।
सामईन मुकर्रम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद फयाज नक्शबंदी साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ़ लाएँ, करीम आका लजपाल आका की बारगाह में मदहा सराई फरमाने की सआदत हासिल फरमाएं। रख सोने आवे मैनू नजराच अपनी रख सोने आवे सोने अरे जे मेरे सोने अरे जे मेरे साया नजरे करम सोनिया सोना मुख दिख ला जा सोनिया सोना मुख दिख ला जा सोनिया सोना मुख दिख ला जा चाते करम दी चाते करम दी ऐसी पाजा जावा डूब दी तर सोने आवे जावा डूब दी तर सोने आवे सुन अरजे मेरी सुन अरे जे मेरे साया
نظر کرم زیادی جد تے جان تسی او زیادی جد تے جان تسی او زیادی جد تے جان تسی او اس دا دین ایمان تسی او اس دا دین ایمان تسی او تاڑے ہندیاں کادا در سونے آوے تاڑے ہندیاں کادا در سونے آوے سن عرض میری سن عرض میری سایاں نظر کرم دے کر سونے آوے سایاں نظر کرم دے کر سونے آوے بڑے ہی خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب محترم بھائی محمد فیاض نقشبندی صاحب۔ سامعین مکرم، آج کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان ثنا خان یہاں پر تشریف لائے ہیں اور کم عمر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ رب العزت نے بڑا عروج عطا فرمایا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ نعت کو نعت کے ہی انگ میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم بھائی حیدر علی آپ سے ملتمس ہوں، آپ تشریف لائیں، کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ دل و نگاہ کی دنیا دلوں نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دلوں نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے گئے کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے گئے کیسی روشنی ہوئی ہے، اور لے آ گیا
کے کوچے میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے بھائی حیدر علی صاحب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدحہ سرائی فرما رہے تھے. سامعین مکرم, پنچتنی اسلامک میڈیا کے زیر تمام خصوصی افطار ٹرانسمیشن سبھی احباب سماعت کر رہے ہیں. جتنے بھی دوست احباب ہمیں پاکستان یا پاکستان سے باہر, جتنے بھی دوست احباب محبت کرنے والے رفقا, جو بھی احباب ہیں, اللہ کریم تمام کو دارائن کی برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. آپ سے التماس گزار ہوں کہ ہمارے اس چینل کو لازمی لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا اور آگے بھی دوست احباب تک ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا. سامعین مکرم, ہمارے اسٹوڈیو میں موجود بڑے خوبصورت ثنا خان جنہیں آپ سماعت بھی کر رہے ہیں, اور میں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اپنے برادر مکرم بھائی محمد فیاض نقشبندی صاحب کی جانب بڑھوں گا اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دوسرا کلام آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے سامعین کی نظر فرمائیں. منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھ رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا اور میرے حالات ہی یارو میرے دشمن ٹھہرے, میرے حالات ہی یارو میرے دشمن ٹھہرے, مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے, مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے, کا منگتا اور بات کرتا ہوں تو سانسوں
से महक आती है, बात करता हूँ तो सांसों से महक आती है, मेरे लहजे को वो मेला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मेला नहीं होने देते, उनका मंगता पोशी मेरे हर ऐप की करते हैं वो पड़दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता। सब शेर काबले गो, क्या बात। आपकी याद से जो मेरे आपकी याद से जो पल है तखय्युल में मेरे, जिक्र तेरे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, जिक्र तेरे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, उनका मंगता। और हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मगते शाकिर, वाह वाह क्या बात है क्या बात। हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मगते शाकिर, अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते, अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते, अपना चाहे तो मतला उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से करीमा का लजबाला का की बारगाह में मोहब्बतें पेश फरमा रहे थे जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद फयाज नक्शबंदी साहब। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल जान आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें वसतें अता फरमाए। सामईन मुकर्रम, चूँकि वक्त भी काफ़ी करीब करीब है और हमने अपने मेहमान सना खानों को भी समाद करना है, हज़रत उवैस करनी
रदी अल्लाह ताला अन्हो, छोटा सा वाकया आपकी समातों की नज़र करते हुए मैं अपने स्टूडियो में मौजूद अपने अगले मेहमान सना खान को आपकी समातों की नज़र करूँगा। सामईन मुकर्रम, हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही करीब, बड़े ही परहेजगार बंदे गुजरे हैं, जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की जब से सना सुनने शुरू की, बातें सुनने शुरू की, तब से ही आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवाने हो गए। सामईन मुकर्रम, हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, एक मरतबा अपनी माँ, जो माँ बीमार है, आप उनकी तिमारदारी में मसरूफ़ हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको दवाई देते हैं, उनको ख्याल करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, एक मरतबा माँ से इजाज़त तलब की कि माँ, मैंने मकीन गुंबद खजरा हजूर ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाना है, मेरी ख्वाहिश है एक मरतबा ज़िंदगी में आपकी ज़ियारत कर लूँ। माँ ने कहा, बेटा मैं इस वक्त बीमार हूँ, बिस्तर मर्क पर हूँ, न जाने कब इस जिस्म से मेरी जान निकल जाए, और तू अगर मेरे पास ना हुआ तो मेरा इंतज़ाम कौन करेगा। खैर, अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, माँ तो फिर माँ होती है, माँ ने इजाज़त दी और कहा, बेटा चले जाओ मस्जिद में और मस्जिद से फिर वापसी आ जाना, अगर मिल जाए तो ठीक है वरना जल्दी वापसी आ जाना। माँ से इजाज़त तलब की, हादसों को बढ़ाया, माँ के पाँव पर रखा, दुआ ली और वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। मस्जिद नबवी में पहुँचते हैं, मस्जिद नबवी में खड़े होकर दाएं बाएं देखना शुरू हो जाते हैं। सहाबी पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। आपने बताया, मेरा नाम उवैस है, मैं करन शहर से आया हूँ। फरमाया, किस लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। कहाँ के हजूर ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए यहाँ पर आया। सहाबी ने फरमाया कि अभी अभी हजूर ताजदार कायनात यहाँ से चले गए हैं, नमदीदा हुए, आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर चूंकि हुक्म था माँ का कि बेटा मस्जिद में जाना फिर वापसी पलट आना, इंतज़ार नहीं किया बल्कि उन्हीं कदमों के साथ वापसी अपने घर में पहुँचाए। जब पहुँचे तो माँ ने खैरियत दरियाफ्त की और पूछा कि बेटा, हजूर ताजदार कायनात से तुम्हारी मुलाकात हुई। कहा, माँ नहीं, वो वहाँ से जा चुके थे, मैंने इंतज़ार नहीं किया और वापसी लौट आया। काफ़ी अय्याम गुजर गए, फिर एक मरतबा दिल में ख्वाहिश जाहिर हुई, क्यों ना हजूर ताजदार कायनात की ज़ियारत के लिए आऊं। माँ से फिर इजाज़त ली और माँ ने कहा, बेटा इस दफ़ा घर चले जाना, पिछली दफ़ा मस्जिद में नहीं मिले थे तो इस दफ़ा घर चले जाना, हो सकता है शायद घर में आप मिल जाएं। रुखसत हुए और रुखसत होकर मदीना पाक की गलियों में हजूर ताजदार कायनात का पता पूछते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम की दहलीज मुबारक पर पहुँचते हैं। आंखों में आंसुओं की लड़ी है कि आज अपने सर की आंखों के साथ हजूर ताजदार कायनात की ज़ियारत करूंगा, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और ही मंजूर था। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से अम्मा आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आवाज़ लगाई कि कौन है। कहा कि हजूर ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आया। उन्होंने कहा कि अभी अभी घर से बाहर निकल कर बाज़ार की तरफ गए हैं, जो कैफियत पहले थी कैफियत उससे दुबाला हो जाती है कि पिछली दफ़ा मस्जिद में नहीं मिले थे, अभी घर आया हूँ तो घर में भी नहीं मिले, कैफियत मज़ीद तब्दील हो जाती है, आँखों में आंसू लिए फिर वापसी अपने शहर की तरफ लौटते हैं। घर पहुंचे, माँ ने फिर पूछा, बेटा क्या बना, हजूर ताजदार कायनात से मुलाकात हुई।
कहा नहीं माँ, वो अपने घर में नहीं थे, चले गए थे घर से। उधर हुजूर ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाते हैं। जब घर तशरीफ लाए, ये नबियों के इमाम हैं, दोनों जहानों के सरदार हैं, पता चल जाता है। लोग कहते हैं करीम लजपाल आका को दीवार के पीछे का इलम नहीं है, मगर जब अपनी दहलीज पर पहुंचे तो खुशबू महसूस की। जब खुशबू महसूस की तो हजरत अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आज कोई आया था घर में? कहा जी आया था, कोई करण शहर से था, उवैस नाम था उसका, और आपका पूछ रहा था, फिर आपका पूछकर चला गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा तू जानती है वो कौन है? कहा या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं वो कौन था, मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो पर्दे की यार्ड से ही उसको वापस भेज दिया। और बताया कि करीम लजपाल आका बाजार गए, लेकिन शायद वो आपको नहीं मिल सका। करीम लजपाल आका ने फरमाया, ए आयशा वो वैसे करनी था जो मेरी मोहब्बत में यहाँ पर आया था, और सिर्फ अपनी माँ की वजह से मुझे मिल नहीं सका। माँ का हुक्म था कि बेटा घर जाना, घर से फिर वापस लौट आना, ज़्यादा देर न करना। ये अवैसे करनी हैं जो अपनी बूढ़ी माँ की आयादत भी कर रहे हैं, कहा भी मान रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मकाम और मर्तबा ये फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम और मर्तबा ये अता फरमाया कि जब हुज़ूर ताजदार कायनात आँखें बंद की और विसाल मुबारक होता है, तो उससे पहले हजरत मौला अली और हजरत उमर फारूक को अपना जुब्बा मुबारक देते हैं और कहते हैं कि ये उवैस है, ये उसकी निशानियां हैं, इस तरह का उसका बोलचाल है, इस तरह का रंग ढंग है, करण शहर में रहता है, उसको जाकर मेरा जुब्बा देना और कहना कि हजूर ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुब्बा पहन लो, इसको तोहफे के तौर पर कबूल करो और मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफरत करो। अल्लाह अकबर अल्लाह। इतना मकाम व मरतबा कि आका दो जहां सरूर कल्ब व सीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जुब्बा मुबारक भी अता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस उवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। सामईन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ही हज़रत उवैस करनी जैसा इश्क अता फरमाए। हज़रत उवैस करनी जिस तरह से अपनी माँ की खिदमत करते हैं, जिस तरह से अपनी माँ का कहा माना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को भी अपनी माँ का कहा मानने की तौफीक अता फरमाए। जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी चादर ततहीर का साया नसीब फरमाए। सामईन मुकर्रम, आइए चलते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान सना खान जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद असद लतीफ़ नक्शबंदी साहब की जानिब, उनसे गुजारिश करते हैं आज का दूसरा कलाम हमारे सामईन की नज़र फरमाएं। बिस्मिल्लाह। एक इल्तिजाइया कलाम मैं पेश करता हूँ। कोई भी कुछ नहीं तेरी, कोई भी कुछ नहीं तेरी, ताकत के सामने कोई भी कुछ नहीं तेरी, ताकत के सामने बेबस है दो जहां तेरी, कुदरत के सामने बेबस है दो जहां तेरी, कुदरत के सामने। और तौबा के तलबगार हैं मौला कबूल कर, तौबा के तलबगार हैं मौला कबूल कर,
कबूल कर, जुर्मों का क्या हिसाब तेरी रहमत के सामने, जुर्मों का क्या हिसाब तेरी रहमत के सामने। और सदके नबी की आल के कर दे हमें रेगा, सदके नबी की आल के कर दे हमें रेगा, सदके नबी की आल के कर दे हमें रेगा, मुजरिम खड़े है तेरी अदालत के सामने, मुजरिम खड़े है तेरी अदालत के सामने, बेबस है दो जहां तेरी कुदरत के सामने। और मक्ता कि शर्मिंदगी भी है बड़ी अजमल का खौफ भी, शर्मिंदगी भी है बड़ी अजमल है खौफ भी, पर तुझको पुकारते हैं इस मुसीबत के सामने, तुझको पुकारते हैं मुसीबत के सामने, कोई भी कुछ नहीं तेरी ताकत के सामने, बेबस है दो जहां तेरी कुदरत के सामने। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तजाया कलाम पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद असद लतीफ़ नक्शबंदी साहब। सामईन मुकर्रम, हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान सना खान जनाब मोहतरम भाई हैदर अली साहब से मुल्तमिस हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ करीम आका लजबाल आका की बारगाह में अपनी मोहब्बतें पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। हुस्न की जान हो गया होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न की जान हो जब ना
मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफा का, ये करम है मुस्तफा का। बहुत ही खूबसूरत शेर, सुभान अल्लाह। ये जमीन रुकी हुई थी, ये फलक चले जब मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहाँ ने चलना सीखा। चले जब मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहाँ ने चलना सीखा। बहुत ही खूबसूरत शेर मक्ता जो शायर ने लिखा, इंतहा खूबसूरत लिखा कि मैं रहा, मैं रहा सीखा। मेरी जज़्बे आशिकी ने
जज़्बे आशिकीने मेरी जज़्बे आशिकीने कहाँ घर बदलना सीखा कहाँ घर बदलना सीखा रुखे मुस्तफा को देखा रुखे मुस्तफा को देखा माशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसी तरह से करीमा का लजपाल आका की सना खानी करते रहें। सामईन मुकर्रम पंचतनी इस्लामिक मीडिया के ज़ेरे तमाम खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रंग रमज़ान के स्टूडियो से आप तमाम अहबाब लाइव नशरियात समात कर रहे थे। अल्लाह करीम जितने भी दोस्त अहबाब अब तक हमारे साथ जुड़े रहे तमाम को बेबहा बरकतें वसअतें अता फरमाए, दारैन की बरकतें अता फरमाए। और सामईन मुकर्रम ये जो कोरोना वबा है अल्लाह करीम से बारे दिगर इल्तजा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हमारे मुल्क से और पूरे पाकिस्तान से महफूज फरमाए। जिनके अहबाब कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सामईन मुकर्रम रंग रमज़ान के स्टूडियो के लिए आज इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद हमजा रफ़ीक कादरी रंधावा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ नए सना खानों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।